हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज हम करने वाले हैं ब्रेजा का ड्राइव रिव्यू। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ये ब्रेजा का वॉक अराउंड वीडियो हमने शूट किया था, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रेजा का ड्राइव रिव्यू कैसा है, एंड ये गाड़ी कितनी कैपेबल है, और क्या इसमें प्रॉन्स हैं, और क्या इस गाड़ी के कौन से, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो चलते हैं एंड देखते हैं कि ब्रेजा चलने में कैसी है, एंड आज सब कुछ शेयर करूंगा गाइस, तो बने रहे वीडियो में। तो गाइस चलते हैं, इसको चला के देखते हैं एंड देखते हैं कि ये कार कैसा परफॉर्म करती है। तो गाइस, जो फर्स्ट मेरा फीडबैक रहा मेरा कार चलाते, जो मैंने फील किया वो ये था कि गाड़ी दब नहीं रही है, इसका क्लच भी काफ़ी लाइट है, तो काफ़ी और क्लच का ट्रेवल भी बहुत कम है, तो ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा क्लच प्रेस करना पड़ेगा, पूरा नीचे तक डाउन तक प्रेस करना पड़ेगा। क्लच का जो है वो ट्रेवल बहुत कम है, और आप इजीली, और इसी वजह से जो आप गियर शिफ्टिंग करते हो तो गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी स्मूथली हो रही है इस कार में। और गियर बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो गियर बॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है इस कार का। कार के सस्पेंशन भी काफी अच्छे ट्यून हुए हैं। अभी पीछे हमने एक थोड़ा सा रफ एरिया में गए थे, तो कार के सस्पेंशन भी काफी अच्छे ट्यून करे गए हैं इस कार में, तो आपको ऐसा इशू भी नहीं आएगा कि कार में आपको कहीं पे खराब रोड में आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। कार में अच्छे सस्पेंशन ट्यून किए गए हैं, तो आपको ये फील नहीं आएगा कार में कि आपको अनकंफर्टेबल होगा किसी भी ऐसी जगह जाने पर जहाँ पे रोड सही ना हो। तो सस्पेंशन काफी अच्छे हैं कार के। एंड बात कर रहा था मैं, जैसे आपको बता रहा था कि गियर काफ़ी स्मूथ है कार का, गियर बॉक्स काफ़ी स्मूथ है, और आप गियर शिफ्ट करते समय आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही, गियर बहुत ही इजीली तरीके से शिफ्ट हो रहे हैं कार के। एंड साथ ही साथ जो एक लैग देखने को मिलता था जिससे पहले हमने जो कार ड्राइव्स करी है, जो अगर हमें जो बात करूँ, अगर मैं स्पेसिफिकली टाटा की कार में जो मुझे लैग देखने को मिला था, इस कार में वो लैग नहीं है बिल्कुल भी। आपको किसी भी गियर में, चाहे वो इनिशियल गियर हो, चाहे इसके थर्ड एंड फोर्थ गियर हो, किसी भी गियर में आपको कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा। जैसे ही आप कार को एक्सेलरेट कर रहे हो, कार रिस्पॉन्स कर रही है, और मुझे अभी तक कार का फीडबैक काफ़ी अच्छा लगा है, और बिकॉज जो भी मैंने अभी जितना भी मैं इसको एक्सेलरेट कर रहा हूँ, कार मुझे तुरंत उतना रिस्पॉन्स दे रही है इसके साथ साथ, तो ये चीज़ मुझे इस कार में अच्छी लगी अभी तक। एंड इसको आगे और ड्राइव करते हैं और देखते हैं कि अगर कुछ और चीज़ निकलती है इस कार से या नहीं निकलती, तो फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक और प्लस पॉइंट मैं इस कार का बताऊंगा, वो है इसकी विजिबिलिटी। जो विजिबिलिटी मुझे इस कार से मिल रही है वो लाइक बहुत अच्छी है, बिकॉज जिस पोजीशन पे आप इसको ड्राइव कर रहे हैं, कमांडिंग पोजीशन आपको देती है कार, बिकॉज हाई ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी है, और जो सिटिंग पोजीशन है आपकी इस कार में, उससे जो विजिबिलिटी आपको मिल रही है वो ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा कमांडिंग पोजिशन पर आप इस कार को ड्राइव करते हो, तो ये एक प्लस पॉइंट है। कभी भी कार चलाते समय आपको एक कॉन्फिडेंस देगी। बात करूँ इसका नेक्स्ट पॉजिटिव पार्ट जो मुझे लगा, वो लगा इसका स्टीयरिंग। इसका स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है गाइस, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपको जोर लगाना पड़ रहा है स्टीयरिंग पे। काफ़ी लाइट स्टीयरिंग है कार का, जो कि अगर आप सिटी में चला रहे हो तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और आपको थकान नहीं फील होगी कोई सिटी में इसको ड्राइव करते समय, बिकॉज काफ़ी लाइट स्टीयरिंग है इस कार का। एक इशू रहता है मारुति की कार्स के स्टेयरिंग के साथ साथ, कि लोग कहते हैं कि इसका स्टेयरिंग वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आता, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि ये इशू मैंने भी फेस किया है मारुति कार में, और मैंने कई कारों में देखा भी है मारुति की, कि ये एक इशू रहता है कि इसका स्टेयरिंग ऑटो रेटेड होकर अपनी पोजिशन पर नहीं आता। तो अभी हम चेक करते हैं कि इस कार के साथ ये इशू है या नहीं। तो अब इस कार में हम एक आगे यू टर्न आ रहा है, तो हम यू टर्न लेके देखेंगे कि इसका स्टीयरिंग अपनी पोजीशन पे आ रहा है या नहीं आ रहा, बिकॉज ये इशू मारुति के कार के साथ जेन्युइन इशू है, और बहुत कारों में हमने देखा है मारुति के कि स्टीयरिंग फीडबैक इसका अच्छा नहीं होता। तो अभी हम ट्राई करते हैं, सामने ही एक यू टर्न है, तो हम उस यू टर्न से करके देखते हैं कि इसका स्टीयरिंग अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है या नहीं आ रहा।
यहाँ से मैं कट करके देखता हूँ कि इसका स्टेयरिंग अपनी पोजिशन पे आता है नहीं आता वापिस। स्टेयरिंग अपनी पोजिशन पे आया तो, बट वो प्रॉपर अपनी पोजिशन पे नहीं आ रहा, थोड़ा सा आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज जैसा हमने देखा था टाटा की कार्स में, उसमें स्टेयरिंग काफी अच्छा, उसका स्टेयरिंग फीडबैक रिस्पॉन्स है और वो अपनी पोजिशन पे तुरंत आ जाता है। बट इसके साथ इसका स्टेयरिंग वापस आ रहा है बट उस पोजिशन तक नहीं आ रहा जहां तक इसको आना चाहिए। बट मैं फिर भी बोलूंगा कि मारुति की बाकी कारों के कंपैरिजन में इसका स्टेयरिंग काफी अच्छा है और ये काफी हद तक वापस अपनी पोजिशन पे आ जाता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और मैं बोलूंगा इस कार में उतना स्टेयरिंग को लेकर इशू नहीं है जितना मारुति की और कार्स में होता है। तो गाइस अगर मैं बात करूं कार की ब्रेकिंग की, तो कार की ब्रेकिंग भी काफी अच्छी है। मैंने इसकी ब्रेक्स, जब भी मैं इसकी ब्रेक्स अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे वो तुरंत रिस्पांस दे रहे हैं। तो कार में की ब्रेक्स में वो बाइट है, ब्रेक बाइट काफी अच्छा है कार का। तो ब्रेकिंग को लेके मुझे ये कार अच्छी लगी, बिकॉज इसकी कार की ब्रेकिंग मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। यार अगर बात करूं एक अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस होने के बाद भी इस कार में जो बॉडी रोल है वो बिल्कुल ना के बराबर है, तो कार में ऐसा कोई बॉडी रोल भी नहीं है, तो जिसकी वजह से आपको काफी स्टेबिलिटी मिलती है अगर आप इसको हाई स्पीड में भी ड्राइव कर रहे हो तो। और मैं बात करूं अगर हाई स्पीड में कार की हैंडलिंग की, तो हाई स्पीड में भी कार की हैंडलिंग काफी बढ़िया है गाइस। बट एक चीज का मैं आपसे यहाँ पे रेज करूंगा इस चीज को लेके, कि जैसे मैंने बताया था इसका स्टेयरिंग बहुत लाइट है, तो हाई स्पीड में भी इसका जो स्टेयरिंग है ना वो काफी लाइट ही रहता है, जिसकी वजह से आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता। जो कि अगर आप, मैं कंपेयर करूं टाटा की कार में, तो टाटा की कार्स में ऐसा है कि हाई स्पीड जैसे जाएगी आपकी कार तो आपकी जो स्टेयरिंग है वो उतना हार्ड हो जाता है, जिससे गाड़ी को आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप हाई स्पीड में जब भी आप ड्राइव करोगे आपका स्टेयरिंग अगर हार्ड रहेगा थोड़ा, तो आपको वो कंट्रोल मिलता है कि आपका अच्छा कंट्रोल बना रहता है कार पे। बट बात करूं यहाँ पे, तो इसका जो स्टेयरिंग है वो हाई स्पीड में भी काफी लाइट है, तो ये एक पॉइंट है जो मैं बताना चाहूंगा। मुझे फील हुआ, अगर आपको भी, अगर जो ये ओन कर रहे हैं कार अगर उनको भी ये बात फील होती है, तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको भी ऐसा लगता है कि इसका स्टेयरिंग हाई स्पीड में भी काफी लाइट रहता है। तो ये एक चीज है जो मुझे लगी इस कार में, उसके अलावा ऐसा कोई पॉइंट मुझे लगा नहीं जो मैं आपको बता सकूं मुझे इस कार में नेगेटिव। बात करूं एक और चीज की, बात करें इसके इंजन नॉइस की, तो कैबिन बहुत साइलेंट है, आपको बिल्कुल भी इंजन नॉइस नहीं आएगी। हाँ बट एक बात मैं बताऊंगा, जब आप इसको हाई स्पीड में चलाओगे तो आपको रोड नॉइस जरूर फील होगी, तो ये रोड नॉइस आपको आएगी। बट अगर बात करो इंजन नॉइस की, तो इंजन नॉइस कार में बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज फोर सिलेंडर कार है और फोर सिलेंडर कार का ये बेनिफिट तो होता ही है कि आपको जो इंजन नॉइज है वो ना के बराबर मिलती है। तो इस कार में भी ऐसे ही है, इंजन नॉइज इसकी बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी मारुति के जो इंजन है काफी रिफाइंड है, तो वो चीज इसमें भी देखने को मिलती है, और इंजन नॉइज आपको इस कार में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो यार इस कार में अगर मैं बात करूं तो मुझे नेगेटिव कम पॉजिटिव चीजें ज्यादा दिखी है, और जितना मैंने इसको ड्राइव किया है उस बेसिस पे मैं सिर्फ इसके कुछ ही नेगेटिव पॉइंट्स मुझे जो फील हुए हैं वो हैं। एक तो है कि इसका जो स्टेयरिंग है, वैसे तो सिटी पर्पस के लिए इसका स्टेयरिंग बिल्कुल परफेक्ट है, बिकॉज बहुत लाइट स्टेयरिंग है और आपको सिटी में जब आप कार चलाओगे तो आपको बिल्कुल वो थकान फील नहीं होगी अगर इसको ड्राइव करते हैं, और कितना भी आप इसको ड्राइव करो आपको वो थकान फील नहीं होगी। बट वही चीज इसके लिए नेगेटिव उस सेंस में मैं इसको बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर इसको हाई स्पीड में आप चला रहे हो तो हाई स्पीड में भी इसका स्टेयरिंग काफी लाइट ही रह रहा है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। हाई स्पीड में इसको थोड़ा सा हार्ड हो जाना चाहिए, बट ये मुझे फील हुआ कि ये नहीं हो पा रहा उतना। सेकेंड चीज जो मेरे को इसकी नेगेटिव लगी है वो है इसका जो थोड़ा सा रोड नॉइज है, जो हाई स्पीड में आपको देखने को मिल गया, तो वो थोड़ा सा रोड नॉइज एक नेगेटिव वो चीज लगी मुझे। बाकी अदरवाइज ड्राइव रिव्यू में मुझे इस कार में और कोई नेगेटिव चीजें नहीं लगी, काफी बढ़िया कार है। और जो इसका 1500 सीसी का इंजन है वो जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है यार, उसको अगर मैं कंपेयर करूं बाकी अगर टर्बो से, तो वो किसी भी मुकाबले में कम नहीं है, बिकॉज जितना भी इसको आप चलाओगे जितना भी एक्सलेट करोगे तो वो आपको इंस्टेंट पिकअप भी ये इंजन दे रहा है। तो मुझे ओवरऑल ये कार बहुत ही बढ़िया लगी है, और ऐसा कोई नेगेटिव चीज नहीं है जो मैं इस कार में आपको बता पाऊंगा। तो इसके ड्राइव रिव्यू में तो गाइज इतना ही, अगर आप मेरी किसी बात से डिसएग्री करते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी हम ट्राई करेंगे
आगे और नई कार्स कवर करने के लिए, एंड आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।